बाराबंकी में एक निजी नामी स्कूल का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस स्कूल की मान्यता कक्षा 1 से 8 तक हिंदी माध्यम की है, लेकिन यहां बिना मान्यता के ही अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जा रही है। इसके साथ ही अभिभावकों से मनमानी पैसे भी वसूले जा रहे हैं। इसका खुलासा बीएसए की जांच में हुआ। वही बिना मान्यता प्राप्त स्कूल को संचालित किए जाने पर बीएसए ने स्कूल प्रशासन को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी है। तो वही इस कार्रवाई से स्कूल प्रशासन में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। स्कूल फर्जीवाड़े का यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित आवास विकास कॉलोनी के सेंट्रल एकेडमी से जुड़ा है। दरअसल जिलाधिकारी के जनता दर्शन में कुछ लोगों ने सेंट्रल एकेडमी में बिना मान्यता के प्री प्राइमरी से उच्च प्राइमरी तक अंग्रेजी माध्यम से कक्षाएं संचालित करने और अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल किए जाने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने मामले की जाँच बीएसए को दी है। शिकायत की जांच बीएसए वीपी सिंह ने की तो सेंट्रल एकेडमी के प्रधानाचार्य फीस से संबंधित दस्तावेज नहीं दिखा पाए। इसके साथ ही गलत नाम से स्कूल का संचालन पाया गया। क्लास 1 से क्लास 8 तक की मान्यता सेंट्रल एकेडमी स्कूल के नाम से ली गई है। विद्यालय का संचालन सेंट्रल एकेडमी के नाम से किया जा रहा है, लेकिन जाँच में पाया गया कि विद्यालय की मान्यता हिंदी माध्यम से ली गई है और बिना मान्यता के प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम से कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। साथ ही एक ही कैंपस में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाएं गलत तरीके से चलती पाई गई। वहीं अभिभावकों से इन कक्षाओं के लिए मोटी फीस भी वसूली जा रही है। साथ ही जांच में कई अन्य खामियां आई हैं, लेकिन स्कूल में इतनी खामियां पाए जाने के बाद भी स्कूल प्रशासन अपनी गलती मानने के बजाय बुरा बर्ताव करने से बाज नहीं आ रहा। जी, हमारी शिकायत है सेंट्रल एकेडमी को लेकर। हमें फीस की मनमानी करते हैं और इनकी फीस 7 इंस्टॉलमेंट में जमा होती है जो कि पूरे 1 साल की होती है। तो इन्होंने हमसे 2 इंस्टॉलमेंट जमा कराए हैं क्योंकि हमें टीसी लेनी थी, इसलिए उन्होंने फीस जबरन बढ़ा दी। और इनकी 1 इंस्टॉलमेंट लेना होता है, लेकिन 2 मंथ की फीस इनकी बनती है 9,000 कुछ रुपए और इन्होंने हमसे जमा कराए हैं 16,700 रुपए। जब हमने फीस को वापस मांगा कि हमारी जो फीस आपकी होती है आप वो रखिए, बाकी फीस हमें वापस करिए, तो इन्होंने कहा ये हमारे हाथ में नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पिताजी ने कहा कि हम डीएम सर से शिकायत करेंगे, फिर आपको डीएम सीएम जिसके पास जाना हो जाइए, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, मनमानी तो करते हैं, इसलिए हम लोग 6 तारीख से दौड़ रहे हैं टीसी के लिए। आए दिन कहीं केंद्रीय विद्यालय जाए थे कि डेट बढ़ जाए या बाद में मार्कशीट ले लेंगे, टीसी ले लेंगे, या उनसे कहा जाते टीसी दे दो, टीसी दे नहीं रहे हैं। फिर जाके जो है जब डीएम साहब से शिकायत की गई, उसके बाद टीसी मिली। जब इस बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के जनता दर्शन में शिकायत हुई थी, जिसमें बताया गया था कि सेंट्रल एकेडमी स्कूल में ज्यादा फीस ली जा रही है। इसके बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए थे। जांच में पाया गया कि स्कूल गलत तरीके से संचालित हो रहा था। बीएसए के मुताबिक इन कमियों के आधार पर स्कूल की मान्यता वापस लिए जाने और 1 लाख रुपए जुर्माना देने का नोटिस भेजा गया है। साथ ही आगे से इंग्लिश मीडियम में क्लास संचालित करने पर प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी गई है। देखिए, चूंकि जिलाधिकारी महोदय वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश था, इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक इसके सदस्य सचिव होते हैं उस समिति में और जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष हैं। मैं उनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा, फिर जो निर्णय है ऐसी स्थिति में है कि अगर प्रथम बार ये उसका जो शासनादेश है या नियमावली है शुल्क को कंट्रोल करने की, अगर उसका अनुपालन नहीं सुनिश्चित करते हैं तो 1 लाख रुपया प्रथम बार जुर्माना है, उसके बाद 5 लाख रुपए है दूसरी बार। बाराबंकी ही नहीं, देश भर में कई ऐसे स्कूल संचालित हो रहे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, लेकिन अभिभावकों को चाहिए कि वो पहले इन स्कूलों की अच्छे से जांच कर लें और तभी अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिला दिलवाएं। खबर अभी तक के लिए बाराबंकी से राजीव सिद्दीकी की रिपोर्ट।